आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेग स्थिरांक की इकाइयाँ कैसे हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आप सभी को फॉर्मूला बताती हूँ। वो फॉर्मूला है मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो हम सबसे पहले प्रथम नहीं शून्य कोटि के लिए, ठीक है, शून्य कोटि, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला है, मोल है यहाँ पे वन है, एन का मान यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे, शून्य कोटि के लिए जीरो, ठीक है। वन माइनस जीरो लीटर, जीरो माइनस वन सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देखो एक में से जीरो गया यानी मोल, प्लस का एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लीटर माइनस का वन बच गया और सेकेंड इनवर्स, ये है हमारी शून्य कोटि का इकाई, ठीक है, यानी मात्रक। तो सेकंड में हमें फर्स्ट कोटि एन बराबर एक यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसे ज्ञात करेंगे। चलो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम मोल लिखेंगे, यहाँ पे वन, एन का मान भी हमारे पास क्या है, वन है, ठीक है। लीटर वन माइनस वन और सेकंड का भी माइनस वन, तो एक में से गया यानी शून्य। ठीक है, जीरो लीटर जीरो और सेकंड, यानी जीरो जीरो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखे देंगे सेकंड इनवर्स बचेगा सिर्फ हमारे पास, ये प्रथम कोटि का है और द्वितीय कोटि। तो एन बराबर दो, ठीक है, दो ले लेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला है ना गाइस, ये रहा यहाँ पे रहा, इसमें एन की जगह हम दो रखेंगे, यहाँ पे भी दो रखेंगे और ये सेकंड तो इनवर्स सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है मोल, तो वन माइनस एन का मान दो है, ठीक है, और लीटर दो माइनस एक, यहाँ पे दो माइनस एक है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, ठीक है। ये देखो मोल में माइनस एक बचा, वन माइनस टू यानी माइनस एक।